युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। थाना क्षेत्र मल्लीपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत कतरा के निवासी राम शरण पुत्र श्यामा प्रसाद आयु 35 वर्षीय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। राम शरण एक गरीब व्यक्ति था जो ग्रामीणों के अनुसार मजदूरी कर अपना जीवन यापन करता था। राम शरण कुछ दिन पूर्व जनपद बहराइच में रिक्शा चला रहा था और वो मंगलवार की रात अपने घर आया हुआ था। सुबह घर में उसका शव पड़ा हुआ मिला, जबकि गरीबी की हालात में उसकी पत्नी दूसरे के घर बर्तन व पानी भरने का काम करती थी, जिसके 3 नाबालिग छोटे बच्चे थे। ग्रामीणों की मानो तो गरीब की हालात से जूझ रहे व्यक्ति की सोमवार मंगलवार की बीती रात कुछ संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने उसके रिश्तेदार रमेश कुमार पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजकुमार गुप्ता निवासी बाबागंज थाना नवाबगंज जनपद बहराइच को दिया। वह मौके पर आकर स्थानीय थाना मल्लीपुर पुलिस को सूचना दिया। घटना स्थल पर मल्लीपुर की पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि मौके पर उसकी पत्नी मौजूद नहीं थी और न बच्चे थे। दोनों के बिना मौजूदगी में राजकुमार व रमेश कुमार की सूचना पर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस संबंध में थाना अध्यक्ष मल्लीपुर हर्षवर्धन सिंह से बात करने पर बताया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन रिश्तेदारों ने हत्या की आशंका जताई है। क्या नाम है आपका नेता जी? मेरा नाम रमेश गुप्ता झिटकर नेता पूर्व जिला पंचायत जी। आपका क्या कहना है, ये कथरा में जो हुई है घटना संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, इस पे आपका क्या कहना है? आपके कौन लगते हैं? ये हमारे मामा जी का लड़का लगता है साहब जी। और अभी हमको 1 बजे दोपहर में सूचना मिली है जी कि उसकी मृत्यु हो गई जी। तो हम लोग सूचना पाकर वहाँ से देखने आए थे जी, लेकिन मौके पर यहाँ जिस अवस्था में पड़ा हुआ है वो जी, उसकी मौत संदिग्ध लगती है जी। उसके शरीर पर चोट के निशान है, सर मुंह से खून बह रहा है, इसलिए उसकी मौत संदिग्ध लग रही है। और मैंने निवेदन किया है कि उसका पुलिस प्रशासन से पोस्टमार्टम करवा के अब आगे की कार्रवाई की जाए। घटना आप पहुँचने के बाद कितने देर तक पुलिस पहुँची वहाँ थाने से? घटना पर पहुँचे उसके आधा घंटे में पुलिस यहाँ पहुँच गई है मौके पर। तो उस पर कार्रवाई हो रही है जी, कार्रवाई हो रही है पोस्टमार्टम के लिए। थाना मल्लीपुर से हमारे दीवान जी आए हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। इसके बच्चे उच्चे हैं? हाँ, एक बच्चा गोद में सर था और इसकी पत्नी कहीं मजदूरी करने गांव से बाहर चली गई थी, मौके पर मौजूद नहीं थी। गरीब थे? गरीब परिवार था, बहराइच में रिक्शा उक्शा चला के ठेला वाला चला के अपना जीवन यापन कर रहा। प्रधान जी, एक नेता जी एक और पूछना हमको कि आप आज से कई सरकारें आई गई, मायावती की गई, मुलायम सिंह की गई, अखिलेश यादव गए, भाजपा की गवर्नमेंट चल रही, क्या इस गरीब के लिए आवास नहीं दिया गया, इस पे आपका कुछ कहना है? आवास के संबंध में श्रीमान जी, ये गरीब लोग मजदूरी करने के लिए बाहर चले जाते थे, गाँव में मौजूद नहीं थे। अभी हाल में ही ये आए हैं, इनकी जमीनों पे भी लोगों ने कब्जा कर रखा था, इनकी जमीन ले लिए थे जी, इनके नाम से खतौनी भी है, सड़क के बगल में जमीन भी है, मगर लोगों ने कब्जा कर रखा है सर। और इनका आवाज जो यहाँ बना था वो परती जमीन थी, इनको गांव में पंचेतन रहने के लिए जगह दिलाई गई। इनके मकान में 3 भाई सर हैं, 2 भाई बाहर मजदूरी करने गए हैं, उनका कोई पता नहीं है, उनको सूचना नहीं मिल पाई है। घर में पति पत्नी और उसका बच्चा अकेले रहता था, जिनकी पत्नी कल शाम को यहाँ उनके साथ मौजूद थी, सुबह से पता नहीं कहाँ चली गई, गांव में है या कहीं बाहर चली गई, मौके पर मौजूद नहीं है, उसको सूचना है कि नहीं हमको नहीं पता है। ठीक।